हेलो एवरीवन, ये वीडियो का पार्ट टू है। हमने पार्ट वन में देखा था कि हम अगर स्प्राइट रेंडर के जरिए बैकग्राउंड कैसे मूव कर सकते हैं। तो हमने क्या था हमारा सिनेरियो कि एक बैकग्राउंड बनी है, दूसरी उसके आगे बना दे, तीसरी उसकी बैकग्राउंड उसके आगे, चौथी उसके आगे बैकग्राउंड बना दे, और पाँचवीं उस बैकग्राउंड के आगे आगे बनती जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसको हमने लास्ट टाइम इसी तरह किया था कि हमने जो लास्ट बैकग्राउंड को उसको टैग दे के बैकग्राउंड से गेट किया था, फिर उनके जो लास्ट बैकग्राउंड है उसे सेव करा के उसकी नई पोजिशन उसकी पोजीशन नई एक वेक्टर थी न्यू पोजीशन के अंदर स्टोर कर ली थी। फिर उसके उसके अंदर हमने जो उसके एक्स एक्सिस में एक स्प्राइट का साइज लास्ट बैकग्राउंड का एक्स एक्सिस में लिया था, और उसका लोकल स्केल एक्स एक्सिस में लेके उसको ऐड करके जो नई पोजीशन आती थी हम बैकग्राउंड प्रीफैब को दे देते थे, और ये वाला हम लूप के अंदर कॉल किया हुआ था। तो जब हम प्ले करते थे तो वो बैकग्राउंड उसके आगे ऑटोमेटिकली बनती जाती थी। ठीक है, तो अब जो दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम करेंगे क्वाड के जरिए हम बैकग्राउंड कैसे चला सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी बैकग्राउंड है, ठीक है, ये बैकग्राउंड इधर ही स्टिल ही रहेगी। ठीक है, जो इसके अंदर वाला मटेरियल हो, जो बैकग्राउंड होगी ना, वो खुद ही घूमती लूप के अंदर प्ले होती जाएगी, जैसे पुराने ज़माने की फिल्मों में होता है एक रील की तरह ना, वो बैकग्राउंड चलती रहेगी। ठीक है, इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, पिछला वाला तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है बैकग्राउंड बनाने का। तो इसको हम करते हैं कवर। सबसे पहले ये स्क्रिप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड को भी हटा देते हैं, बैकग्राउंड को भी हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्क्रिप्ट हो गया क्लियर। अब जो जो नया हमने बनाना है उसके लिए बैकग्राउंड, सबसे पहले एक क्वाड चाहिए। क्वाड क्या, एक एम्प्टी सा गेम क्यूब की तरह गेम ऑब्जेक्ट होता है, इसके ऊपर हम वीडियोस जो भी कोई होता है ना स्प्राइट वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वाड बनाना पड़ता है हमें। क्वाड एक 3D गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ, 3D गेम ऑब्जेक्ट क्वाड, ठीक है, ये क्वाड इसको हम 0 0 में ले आते हैं। ये हमारा क्वाड है। ठीक है, कैमरा अगर ऑर्थोग्राफिक है। अच्छा, क्वाड को आप जिस तरह मर्जी साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर आपने जो भी स्प्राइट देनी होगी ना, अब जैसे ये हमारी ये बैकग्राउंड वाली अगर स्प्राइट देनी है इसको, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो ये इसका स्प्राइट टेक्सचर टाइप है ना, ये नॉन डिफॉल्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर बाय अगर किसी की स्प्राइट 2D या कोई और, अगर आपने बैकग्राउंड क्वाड के ऊपर चलानी है, तो सबसे पहले उसकी डाटा उसकी जो टेक्सचर टाइप की जो सेटिंग है उसको डिफॉल्ट होना चाहिए, डिफॉल्ट होगी। फिर उसके बाद आपने रैप मोड में जाना है, उसको ये बाय डिफॉल्ट क्लैम्प होगा, आपने इसको रिपीट कर देना। ठीक है, सब क्या चीज़ें करनी है, टेक्सचर टाइप को डिफॉल्ट कर देना, जो जो उनसे आपने बैकग्राउंड मूव करनी है, और रैप मोड को रिपीट कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना। अब ये जो ये बैकग्राउंड है ना, अब ये स्प्राइट 2D नहीं रही, अब ये एज अ टेक्सचर काम कर रही है। ठीक है, रिपीट, अब ये आप सिंपली इसको बैकग्राउंड के ऊपर ट्रैक कर दें, तो ये आपकी बैकग्राउंड लग जाएगी क्वाड के ऊपर। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने जो बैकग्राउंड लगानी है उसको टेक्सचर टाइप को डिफॉल्ट कर देना, और उसके रैप मोड को रिपीट करके अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद ये जो एक टेक्सचर है ना, ये आपके क्वाड के ऊपर लग सकता है, आपने सिंपली इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना यहाँ। ठीक है, अच्छा ये क्वाड नज़र नहीं आ रहा, क्वाड असल में 3D गेम ऑब्जेक्ट है, तो 3D गेम ऑब्जेक्ट्स में हमें लाइट लाइट ट्रैक्शन लाइट की ज़रूरत होती है। अगर ट्रैक्शन लाइट ना हो तो फिर वो कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र नहीं आते, जो ट्रैक्शन लाइट एक एज अ सोर्स ऑफ लाइट काम कर रही होती है 3D सीन्स के अंदर। तो ये 2D सीन बना हुआ था, अगर आपका 3D सीन बाय डिफॉल्ट होगा तो उसके अंदर ट्रैक्शन लाइट होगी, लेकिन अगर आपका 2D सीन है तो आप इसके अंदर ट्रैक्शन लाइट ऐड कर दे। तो आप यहाँ राइट क्लिक करें, लाइट में जाके डायरेक्शनल लाइट ऐड करते। अब हमें थोड़ी थोड़ी अपनी बैकग्राउंड भी शो होने जा रही है। ठीक है, तो अब ये लाइट को आप अपने एडजस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जिधर आपने लगानी है। ठीक है, इसको अगर मैं इसकी इंटेंसिटी वगैरह ख़त्म कर दूँ, थोड़ी इंटेंसिटी का मैं थोड़ी कम कर दूँ या इंटेंसिटी ज़्यादा कर दूँ, वो आप में डिपेंड है। इसको मैं लाइट को हम थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं रोटेशन के साथ। ठीक है, तो ये अब आपने किस तरह में एडजस्ट करना है, मैं इसको दोबारा ऐड कर लेता हूँ यहाँ, लाइट डायरेक्शनल लाइट। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी या चाहे बढ़ाते हैं आप, या इसको इसके एक्स और जी एक्सिस के साथ।
थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वाड के ऊपर लग गई। अब क्वाड का आप जैसे मर्जी साइज एडजस्ट कर लें, स्क्रीनिंग के पूरा कर लें, अपनी स्क्रीन को कवर करना है। तो यहाँ मैंने साइज इसका पूरा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मैं प्ले करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये बस एक तरह की बैकग्राउंड वहाँ स्टिल लगी रहेगी, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड मूव करे, ठीक है। इसके लिए अब हमने जब भी आप कोई इमेज ड्रैग करते हैं ना इसके अंदर, जैसे मैंने बैकग्राउंड की इमेज ड्रैग की है, तो ये ऑटोमेटिक ना एक बैकग्राउंड उसी इमेज का ना एक मटेरियल बना देता है इसके नाम से। जैसे मैंने बैकग्राउंड 4 था मेरे इमेज का नाम, तो जब मैंने क्वाड के अंदर इसको डाला ना, तो इसने ऑटोमेटिक इसका मटीरियल्स के नाम से एक फोल्डर के अंदर इसका बैकग्राउंड बना दिया, इसका मटीरियल बना दिया। इस मटीरियल के ऊपर क्या हुआ है, ये जो इमेज है ये रैप हुई है। अच्छा, अब मैंने इसको मूव करना है, जो ये बैकग्राउंड है ना, मैंने इस तरह मटेरियल को उसके मूव करना है, उसके अंदर वाले मटेरियल को, ठीक है, जो क्वाड के ज़रिए मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सैम्पल स्क्रिप्ट इसके ऊपर लगा लेते हैं, क्या नाम आगे इसको बताता हूँ किस तरह करना है, ठीक है, सैम्पल स्क्रिप्ट लगा लेते हैं। अच्छा, अब मैंने अगर इसके मटेरियल को मूव करना है, तो सबसे पहले मुझे इसको कौन सा कंपोनेंट कट करना पड़ेगा, मैश रेंडर। मैश रेंडर के अंदर जाके मटेरियल्स को कट करना पड़ेगा, मटेरियल वाली चीज़ को। तो ये मेरा सैम्पल स्क्रिप्ट है, ठीक है। अपडेट के अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया, दिस डॉट गेट कंपोनेंट, ठीक है, एंड दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट मैश रेंडर, ठीक है, मैश रेंडर गेट हो गया। अब मैंने कौन सा गेट करना है, मटेरियल को गेट करना उसके, डॉट मटेरियल, ठीक है। अच्छा, जब मटेरियल गेट हो जाएगा, उसका है एक ऑफसेट, मेन टेक्सचर ऑफसेट। मेन टेक्सचर ऑफसेट क्या होता है, वो जो जिस तरह मैं टेक्सचर को ऑफसेट मूव करा था ना उसके जरिए, माउस के जरिए, अभी जो उसका ये टेक्सचर है बैकग्राउंड मटेरियल के अंदर, इसको मैं माउस के जरिए करा था ना, तो ये मेन ऑफसेट जो है ना, ये उसके ऑफसेट को चेंज करता जाएगा मटेरियल के। ये लेता है वेक्टर 2 की टाइप। तो आप किसी भी वेक्टर जो जिस तरफ आपने डायरेक्शन को मूव करना है ना, उस तरफ आप कोई वैल्यू वेक्टर 2 के अंदर देके आप उसको मूव कर सकते हैं। अगर मैं वेक्टर 2 समझे, मैंने अगर एक्स एक्सिस की तरफ करना है, इसको नाम देता हूँ ऑफसेट इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 2, मैं कहता हूँ 1 की स्पीड हो, और आपको जो भी स्पीड होगी उसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से, नहीं टाइम डॉट टाइम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा टाइम से करेंगे तो नहीं होगा, और जिस साइड आपने मूव नहीं करना उसको जीरो कर दें। इसका मतलब मैं एक्स एक्सिस की तरफ मेरी बैकग्राउंड मूव होगी और वाई एक्सिस की तरफ ये जीरो होगी। तो मैं अपनी जो मेन ऑफसेट टेक्सचर है इसको ये वाली वैल्यू दे दूंगा अपनी वेक्टर 2 की, ठीक है। अब इसको यूनिटी में हम करके देखते हैं, प्ले करके देखते हैं। तो जो मेरी बैकग्राउंड है वो उधर ही है, और मेरा क्वाड उस मटेरियल को मूव कर रहा है जिसको मैं माउस से मूव कर रहा था, ये खुद मटेरियल उस कोड के जरिए मूव हो रहा है। तो अब मेरी बैकग्राउंड वहीं होती है, बस जो मैं जो जो उसका मेन मटेरियल है, जो टेक्सचर, वो पीछे मूव कराता है। वो किस तरह मूव किया हमने, उसका कंपोनेंट गेट करके मैश रेंडर, उसके मटेरियल के मेन ऑफ टेक्सचर ऑफसेट को वो वैल्यूज को हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह मूव कर रही है। तो ये जो भी डिस्कशन हो रही थी कि हम बैकग्राउंड को, ये बैकग्राउंड लूप के साथ एक तरह की रील की तरह लूप में मूव होती जा रही है, ठीक है। अगर आपने इसको इन्वर्स तेज स्पीड करनी है, तो आप इसकी स्पीड की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा दें, तो ज़्यादा स्पीड इसकी तेज़ होने लग जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन चलाना चाहते हैं, जैसे कि ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जा रही थी, अगर आप राइट लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हैं, तो आप इसकी वैल्यू -1 कर दें, राइट टू लेफ्ट। अगर -1 कर देंगे तो ये रिवर्स जाएगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। अगर आप 1 कर देंगे तो राइट टू लेफ्ट चली जाएगी, माइनस में अगर इन वैल्यू उठेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने वाई एक्सिस की तरफ मूव करनी है, तो आपको एक्स एक्सिस 0 रखना पड़ेगा, और वाई एक्सिस की मैं आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इसको मैं 1 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड अभी ये नॉर्मल स्पीड है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वही बैकग्राउंड मूव करने लग जाएगी, एक तरह जिस तरह यहाँ मूव हो रहा है। तो एक तरह का वो मटेरियल अपना ऑफसेट चेंज करता रहता है पोजीशन की, बाकी वो जो गेम ऑब्जेक्ट है वो वहीं रहता है, ठीक है। तो अब ये हमने जो पिछली वीडियो में कवर किया और इस वीडियो में दोनों बैकग्राउंड चलाने के तरीके, तो अब आपकी ये होता है, ज़्यादातर ये होता है कि आपकी गेम की लॉजिक पर डिपेंड करता है। अगर आपकी गेम की लॉजिक में ये है कि बंदा वहीं रहेगा और चीज़ उसके पास आएगी, तो फिर ये वाली बैकग्राउंड उसके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपका बंदा आगे जा रहा है और आगे जाके वो चीज़ें पकड़ेगा, तो आपको फिर आगे साथ साथ खुद बैकग्राउंड जनरेट करनी पड़ेगी, जो हमने पिछले पीछे वाली वीडियो में कवर किया।
तो इसमें आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल ऐड कर सकते हैं। इसको सिर्फ बनाने का सिंपल तरीका क्या है, इस क्वाड के जरिए आप क्वाड ऐड करें, जो आपकी बैकग्राउंड है उसको टेक्सचर टाइप डिफॉल्ट करके रैप मोड रिपीट करके अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद जो आपकी बैकग्राउंड है उसे ड्रैग कर दे क्वाड के ऊपर और डायरेक्शनल लाइट ऐड कर दे। अगर डायरेक्शन, क्योंकि क्वाड 3D ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्शन लाइट की उसको जरूरत होगी, वरना उसके बगैर वो नजर नहीं आएगा। और जब जब आपका ये सब कुछ हो जाए तो आप क्वाड के ऊपर एक स्क्रिप्ट लगा दें, ठीक है। ये हमें पता है जब भी बैकग्राउंड कोई भी हम यहाँ इमेज ट्रैक करेगा उसको ऑटोमेटिक मटेरियल बन जाएगा जैसे ये बैकग्राउंड का है। तो हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट के जरिए उसका मैश रेंडर गेट करना है, उसका मटेरियल गेट करना है और मटेरियल का मेन ऑफसेट टेक्सचर को चेंज करना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, उसी गेम ऑब्जेक्ट का मैश रेंडर गेट किया है, मटेरियल डॉट मेन ऑफसेट टेक्सचर। ऑफसेट टेक्सचर के अंदर वेक्टर 2 लेता है, वेक्टर 2 के अंदर अगर जिस एक्सिस में आपने मूव करना होगा उधर आप वैल्यू दे दें कोई भी, उसको मल्टीप्लाई कर दे टाइम और टाइम से, और जिधर नहीं मूव करना उधर आप जीरो वैल्यू दे दे, जैसे यहाँ एक्स में जीरो है। इन केस अगर आप दोनों में मूव करेंगे, दोनों में वैल्यू दे देंगे तो वो दोनों मूव करने लग जाएंगे। अगर मैं दोनों में एक एक का टाइम डॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये दोनों मूव करने लग जाएंगे, ये एक तरह का डायगनल मूव करेंगे फिर, ठीक है ना, थोड़ा डायगनल टाइप मूव करेंगे। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आप लॉजिक यूज़ करना चाहते हैं, कि आप पिछली वाली बैकग्राउंड या आगे वाली पिछले जिस तरह हमने स्प्राइट्स के साथ बैकग्राउंड मूव किया उस तरह करना चाहते हैं, या हम क्वाड के साथ जो हमने बैकग्राउंड मूव किया उस तरह करना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।